really welcome Kashmir. I will not stand between you and all of them. So it's over to our chairman Gour Ali Khan Sahab to say the initial comments and then pass on. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर साहब को और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबज़ादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब को यहाँ खुशमदेद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको ये कंसिडर किया गया कि वो आज़ाद कैंडिडेट है, जो कि हमारा कहना यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे। नामिनेशन फॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, टिकट्स भी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशू हुए थे और उनको टिकट इशू होना था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अलाट होना था, लेकिन आखिरी दिन जिस वक्त फैसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे। उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विदिन 3 डेज़ ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पर बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और क़ानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज़ अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास, और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और इनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और इसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है, लेकिन कानून के एतबार से चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी, वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिज़र्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिज़र्व सीट्स हैं। ये सीटें मिलती हैं उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए अपने रिज़र्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए, ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KP के और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कुछ इजहार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल अदब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिबुल अदब आलिम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब, मेरे भाई जनाब साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी चेयरमैन साहब, रऊफ़ साहब, सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तफसीलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर अली गौर खान साहब ने तफसीलन आपसे बात कर ली है। मैं मुख्तसर 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा और मुझसे बात फिर अलामा साहब बात करेंगे और हामिद रज़ा साहब आपसे मुखातब होंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फ़िरकावारियत या इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, के पूरी कौम मुत्तहद हो, बेहतर तरीके से चले। उसके साथ साथ आज जिस तरह के बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यहाँ पे ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज़ में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिज़र्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर वो 180 है और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्ठा साहब ने लियाकत चट्ठा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो यहाँ किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। और इस चीज़ की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पेशावर और उनके एहलकारान और पुलिस के अफसरान वो भी मुलवस हैं उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज़्यादा वो साथी जिनको धांधली के ज़रिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी। और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर ख़वातीन मेंबरान, उनकी फ़ौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है उनकी रिहाई। और सबसे अहम हमारे सिरों के ताज हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं नहायत ही वाजिबुल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि हमारी MWM मजलिसे वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अल्लामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटिजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने PTI की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरम बगैर हिसाब, खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख़ में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किए गए और इतकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिसकैलकुलेशन थी, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतज़ार था इलेक्शन का, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक़द करने का वक्त आया तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़द किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हज़ार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, नाउमीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आइनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज नहीं तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाजे सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन उससे बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी उससे बाहर निकलेंगे तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं, बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं हैं, मायूस होने वाले नहीं हैं, नाउमीद होने वाले नहीं हैं। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूँ, करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डालना चाहिए था वो कम डाला है और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसलत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा कर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजिक गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरकावारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हों, मुस्लिम हों, गैर मुस्लिम हों, तमाम अकवाम हों। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नाट का है उनको और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे। अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। और हम उसमें है कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है। यकीन कर लें आप, हम एक हैं, ना फ़र्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त है इस मुश्किल मरहले में। हम PTI के लिए साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेकर चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ये जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे हैं, चाहे वो कई हज़ार जवान जो जेलों में बंद हैं, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं। घटिया तरीके से आपने FIR काटी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद-ए-अकल मुसलमान ना भी हो, जवा मर्द हो। मशरक़ी तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोगों घरों में घुसें, उनकी ख्वातीन को उठाएं, उनके बच्चे केले हैं, उनके शोहरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख्वातीन को कैंसर है। हम इंशाल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जदोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे, आवाम सुरखरू होंगे और आवाम से लड़ने वाले वो हारेंगे। तारीख़ गवाह है कि जो भी अपने इमाम से लड़ा है वो हारा है। मैं इंशाल्लाह हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जदोजहद करेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी ये जान लें, हम उनके हकूक़ के मुदाफ़ी होंगे। पाकिस्तान के हारी, मजदूर, मजलूम जो भी है पाकिस्तान में जिसको हकूक़ नहीं मिले, हम उनके तर्जुमान होंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा मुख्तलिफ़ अक़वाम का, लसानियात का, मज़ाहिब का और मसाले का इंशाअल्लाह। और फ़क़र यहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, हम सब जीतेंगे और वो हारेंगे जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं, पाकिस्तान की कश्ती में सुराख करने वाले हैं। वो हारेंगे, हार उनका मुकद्दर है, उनके चेहरों पर लिखा हुआ है। 8 फरवरी को भी हारेंगे, आइंदा भी वो हारते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर और इंशाल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बात कहना चाहता था, हमें खुशी नहीं है कि PTI के मेंबर जो हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, काश ऐसा हो कि PTI का निशान मिले, सारे वहां पर हों और हम इनके साथ हों। वो दिन आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। मैं सबसे पहले गौर खान साहब का, चेयरमैन साहब का, उमर अयूब साहब का, मैं रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत का और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर बातें चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें सिर्फ इस जगह पर वजाहत तलब हैं। नंबर 1 कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि जिस तरीके से इलेक्शन से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया गया और फिर कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया और उसके बाद चूँकि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़िया कर दूं कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान ख़ान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बाहमी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये 2 जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाजिया मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलाए हैं कि जहाँ पर तमाम मसालक न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों का अक्सरियती तबका फ़िक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और एक और बात वाज़ा कर दूँ, ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वादत मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बग़ैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेम्बरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इसके ऊपर मेमोरेंडम भी साइन हो चुका हुआ है। मैं एक मरतबा फिर अपनी तरफ से भी, और एक लास्ट बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि पिछले चंद दिनों के अंदर एक बड़ा मनफी प्रोपोगेट किया गया चीज़ों को और प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इस मौके पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने वाली, एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है और उसका हरकारा अव्वल राना सनाउल्लाह है। ये जो जानबूझ के एक हर्जा सराई करने की कोशिश की गई इन द लास्ट 72 आवर्स, इसके पीछे राना सनाउल्लाह का मास्टरमाइंड था। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह, और देखें फ़लसफ़ा क्या है रियासत मदीना का, हम वो दो मजहबी जमातें हैं जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने इत्तेहादी उम्मत का मुजाहरा देखा और उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को, चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को, तमाम ज़िम्मेदारान को और ख़ुसूसन इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने सेक्टेरियनिज़म से, उन्होंने एक्सट्रीमिज़म से, उन्होंने मसालक की वाबस्तगी से, उन्होंने तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर एक नए पाकिस्तान की जो बात करते थे आज उसकी हकीकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। मैं एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का, मैं चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल साहब का, मेरे भाई रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया और दुआ गो भी हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिस इस्तकामत के साथ हमारी जमात, हमारे साथी और हम तमाम लोग हक़ और सच के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह तौफ़ीक दे कि हम इसी इस्तकामत के साथ और इसी जज्बे के साथ, इस्तकामत के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहें ताकि नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। बहुत शुक्रिया। सारे साथियों को गुजारिश है कि जरा खामोशी कर लें, हमारे मीडिया के साथी तामल से एक एक सवाल करें और हम लोग जवाब देते जाएंगे। तामल से देखो, पहले आई वुड हैव रादर थॉट कि आपका क्वेश्चन सियासी होता। मेरा ये ख्याल था कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है। यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो, सो फार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे ख़िलाफ़ भी उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है, पॉलिटिकल पार्टी मींस जिसको निशान अलाट हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तेदा करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितनी पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, इसको हम कहते हैं परपोसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देके आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह ताला, नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह वी विल गेट द सीट। अब्बास भाई, आप प्लीज। अब्बास भाई, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी धांधली हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है, और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको ऐड करें, जहाँ से भी हुआ, जो जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो, सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम, द पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कानूनी हक है, हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी, और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारे, जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्फ होगा। ये हम सब ने मिल कर के, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चेंज नहीं कि सारे अंडर कंसिड्रेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया है। पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़ें उनको, एक फिरका वराना बातों को छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं। देखिए, कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिज़र्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे, बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। इनकी कोशिश थी, तो पहले भी हमने जमा की थी। देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दानली हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिया से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है, अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएं। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। वेरी क्लियर जनाब, एक सेकंड। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और उसका जवाब ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े। हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में हैं, एब्सोलूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है। हमारी सीटें सिंध में भी हैं, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब में हैं। और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ कि चीन के बानी माओ सी टोंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज़ दी आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज़ द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दें तो वो फौज होती है। फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप जहन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर्स सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मीशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं। और मीशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई हैं, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक़्फ़ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत जी नहीं, देखो नहीं बिल्कुल नहीं है। देखें मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ देखें मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए और इसमें कोई फ़र्क नहीं हम में ना। तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए, किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं, हाँ। जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सबदा साहब के बारे में भी, लिहाजा वो हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई है और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।